राजस्थान की श्रीगंगानगर लोकसभा सीट पर वैसे तो कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन बीजेपी ने पिछले दो दशक में इस क्षेत्र में खासी पैठ बनाई है। बीजेपी के इस विस्तार का श्रेय मौजूदा सांसद निहाल चंद मेघवाल को जाता है, जो इस सीट का 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और एक बार फिर मैदान में हैं। अनिल जी, जी ये सीट पहले बीकानेर के साथ थी, जब बीकानेर में दो सीट डबल सीट होती थी। 67 में इसको सेपरेट किया गया, 62 में मेरे ख्याल से, 62 में। और जो पन्नालाल बारूपाल बीकानेर की सीट पर एससी का वोट लेके, मतलब एससी दो डबल सीट थी जी, दो वोट देते लोग, एससी का वोट अलग और जनरल कास्ट का अलग, तो एससी के लिए दिए गए वोट से चुनके आते थे डबल सीट पर, वो फिर गंगानगर पे शिफ्ट हो गए। और 3 बार पन्नालाल बारूपाल जो पहले बीकानेर के सांसद थे डबल सीट पर, वो 3 बार गंगानगर सीट पर सांसद रहे शुरू में। तो ये 67 से अब तक एससी की सीट चली आ रही है जी। शुरुल कास्ट गंगानगर लोगों के लोगों को जनरल कास्ट का व्यक्ति चुनना नसीब नहीं हुआ अभी तक जी। अभी एक कैसा आरक्षण है जिसे 10-20 साल बाद बदलना चाहिए रोटेशन से, लेकिन गंगानगर जैसा फर्टाइल इलाका, जाटों का इलाका, सरसब्ज इलाका, किसानों का इलाका, खुशहाल इलाका, और गंगानगर में हनुमानगढ़ की सीटें भी आ गई, हनुमानगढ़ संग्रिया वगैरह, तो ये फिर भी एससी के ही रिजर्व सीट पर ही चुनाव हो रहा है यहाँ पर। और इस वक्त चुनाव हो रहा है, भरत मेघवाल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जी, पहले सांसद रह चुके हैं एक बार, और निहाल चंद मेघवाल जो 2 बार सांसद रह चुके हैं, निहाल चंद मेरे ख्याल से 3 बार रह चुके हैं, 4 बार सांसद रह चुके हैं, बीच में गैप आ गया था। हाँ। एक बार शंकर पन्नू कांग्रेस के जीत गए थे, इंजीनियर हैं शंकर पन्नू, लेकिन जिला प्रमुख रहे, 4 बार रह चुके हैं सांसद, और इस बार 5वीं बार के लिए वो एक बार तो शंकर पन्नू ने, फिर 2 बार लगातार निहाल चंद रहे, फिर 1 बार भरत मेघवाल बने जी, फिर उसके बाद निहाल मेघवाल बने जी जी, 4 बार इस तरह रहे, 2 बार ब्रेक आए बीच में। तो शंकर पन्नू को बाद में पिछला चुनाव बीकानेर बेच के लड़ा दिया गया था, तो वो कोई औचित्य भी नहीं था पर लड़ा दिया गया था, हार गए थे वो। इस बार भरत राम मेघवाल को वापस टिकट दिया कांग्रेस ने, पहले 1 बार सांसद रह चुके हैं, और भरत राम मेघवाल और निहाल चंद मेघवाल के बीच में एक फर्क तो ये है कि निहाल चंद मेघवाल के लिए एंटी इनकम्बेंसी है काफ़ी, 4 बार वो सांसद रह लिए, हालांकि 2 ब्रेक आए लेकिन फिर भी 4 बार सांसद रह लिए। केंद्र में मंत्री बने थे इस बार, वो राज्य मंत्री उर्वरक राज्य मंत्री थे, लेकिन वो उनको बाद में बीच संसद के उनको हटा दिया गया था जी, उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया था। अर्जुन राम मेघवाल तो ये कहते हैं कि दरअसल मोदी ने तो बुलाया मुझे ही था अच्छा शपथ लेने के लिए, पर उन्होंने कहा था कॉल मोदी, सॉरी कॉल मेघवाल, तो बिचौले ने मेरे को बुलाने के बजाय इनको बुला के ले गया, इसलिए मंत्री बन गए। अच्छा। ऐसा अर्जुन राम मेघवाल ने मुझे क्या सार्वजनिक रूप से 4-5-7 लोगों के बीच में कहा ये बात जी, ठीक है ना। तो वास्तविकता क्या थी, लेकिन ये तो प्रूव हो गया कि बाद में एक बार इनको स्टेप डाउन करना पड़ा और अर्जुन राम मेघवाल मंत्री बन गए। अर्जुन राम मेघवाल को भी सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिल चुका है जी, और माना जा सकता है कि ऐसी गलती हुई भी होगी, हो सकती है। उन्होंने एक व्यक्ति का नाम भी लिया कि इस आदमी ने जानबूझ के मिस्टेक की, कि बुलाने के लिए मुझे कहा, जानबूझ कर वो उनको बुला के ले गए। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इसकी एविडेंस नहीं है। तो अब निहाल चंद मेघवाल को एक तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत नहीं, दूसरा भरत राम मेघवाल बहुत सरल व्यक्ति है जी। और ये वो इलाका है जो पंजाब से लगा हुआ है जी। और पाकिस्तान से भी लगा हुआ है, ये इस सरहद पर हवा पंजाब से बह के आती है, पंजाब में कांग्रेस का राज है इस वक्त, और ब्याह के इस बेटी के संबंध, रिश्तेदारी, सौदे जमीनों के, मंडी में माल बेचना, अनाज बेचना, ये इधर से उधर अबोर मंडी में जाना आना, ये सब होता रहता है वहाँ से, गंगानगर से। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में अगर कोई लोकसभा क्षेत्र मोदी लहर से, मोदी मोह से, मोदी मोदी से मुक्त माना जा सकता है तो वो गंगानगर होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जट सिख बहुत हैं, जाट हैं, और दूसरे राय सिंह भी हैं जी, तो ये सब मिलकर के मुझे लगता है कि ये सीट राजस्थान के शेष भाग से डिफरेंट है। यहाँ की कल्चर, यहाँ राजस्थानी नहीं बोली जाती जी, राजस्थानी लोक संगीत नहीं चलता, यहाँ पर भंगड़ा चलता है, पंजाबी भाषा बोली जाती है,
और पूरा मतलब राजस्थान के लोग भी अगर वहां हैं तो बहुत सारे लोग पंजाबी जानते हैं, पंजाबी में बात करते हैं, तो इसलिए ये पूरे राजस्थान की 24 अन्य सीटों के मुकाबले डिफरेंट कल्चर वाला इलाका है, डिफरेंट तरीके से लोग सोचते हैं, उनकी वैल्यूज डिफरेंट हैं, उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं, और वो पंजाब की हवा से प्रभावित होने वाले लोग हैं, इसलिए ये इलाका मुझे लगता है कि चाहे राजस्थान किसी भी दिशा में जाए, मैं नहीं जानता किस दिशा में जाए राजस्थान, मैं कहना भी नहीं चाहता, लेकिन ये अपना अपनी भूमिका अपनी राय शायद बिल्कुल डिफरेंट व्यक्त करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है जी।